हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नवप्रीत एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रही हैं हेपेटाइटिस पेशेंट्स की डाइट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर। इट्स कॉमनली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन, और वायरस के टाइप्स होते हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस एंड एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अब हम बात करेंगे कि लीवर हमारे शरीर में क्या काम करता है। लीवर इज़ एन एसेंशियल ऑर्गन दैट हैज़ मेनी फंक्शन इन द बॉडी, इंक्लूडिंग मेकिंग प्रोटीन्स एंड प्रोड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स एंड हैविंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्रोडक्शन ऑफ बाइल। आजकल हम काफ़ी केसेस देख रहे हैं फैटी लीवर के। फैटी लीवर में क्या होता है, फैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारी बॉडी में। जैसे कि हम जो है खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा कैलोरीज वाले फूड लेते हैं और वर्कआउट कोई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जो फैट की एक्यूमुलेशन है वो हमारी जो है लीवर में हो जाती है। तो फैटी लीवर के भी ग्रेड्स होते हैं, 1, 2 और 3। उसके बाद जो कंडीशन आती है सिरोसिस की आती है, उसके बाद जो कंडीशन आती है वो कैंसर की है। तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और खाने पीने का ध्यान रखें। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हेपेटाइटिस पेशेंट्स में डाइट कैसी होनी चाहिए। मॉर्निंग पहले उठ के आप वार्म वाटर लें, एलोवेरा जूस ले सकते हैं, आंवला जूस ले सकते हैं, कच्चा आंवला मॉर्निंग आप ले सकते हैं खाली पेट, ठीक है। और वेजिटेबल्स जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ज़्यादा रखें, जैसे घिया, तोरी, टिंडे, परवल हो गया। और एनिमल बेस्ड प्रोटीन है वो अपनी डाइट में कम रखें, क्योंकि उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो हमें इस डिज़ीज़ में जो है सुपाचयन लेना है, मतलब कि जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि जो मांस आहार है वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है वो ले सकते हैं, जैसे कि पल्सेस हो गई, मतलब मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर की दाल ले सकते हैं, कोकोनट वाटर जो है वो लें, 7 to 8 glass जो है वाटर इनटेक रखें कि बॉडी आपकी जो है हाइड्रेट रहे, ठीक है। और इसमें जो है मतलब आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसमें जो नहीं लेना है वो है, जैसे कि हम तली हुई चीज़ें हो गई, कि जैसे पूड़ियाँ हो गए, पराठे हो गए, कुलचे हो गए, आजकल लोग काफ़ी पसंद करते हैं चीज़ें, पर ये हमें जो है अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप ना लें, जो कि हेपेटाइटिस पेशेंट है, नॉर्मल जो पर्सन हैं उन्हें भी ये चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो वीक करती हैं। तो बाकी हेपेटाइटिस पेशेंट में जैसे कि फ्रोज़न फूड है वो ना लें, पैकेट वाले जूसेस ना लें, फ्रेश जूस आप ले सकते हैं, ठीक है। और जो कि जिसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं वो चीज़ें ना लें, ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अगर डेयरी प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं, बट जैसे कि अगर आप दूध लेना पसंद करते हैं तो उसमें जो मलाई उतरा हुआ दूध होना चाहिए, अगर कर्ड ले रहे हैं तो वो भी मलाई उतरे हुए दूध का बना होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और रात को सोने से 2 घंटे पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लें, सीधा जो है डिनर कंप्लीट करके आप सोएं ना, उसके बाद पहले थोड़ा वॉक कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इसके साथ साथ जो है हमारे निरोगम की जो यकृत निरोगम है, ठीक है, यकृत निरोगम जो है ये आपके लीवर को जो है हेल्दी रखेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी कि वायरस इसे हार्म ना कर पाए। और साथ ही साथ अमीनो निरोगम भी ले सकते हैं, अमीनो निरोगम जो है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा और जो है वायरस को आप पे हावी नहीं होने देगा। तो ये दोनों चीज़ें आप अपने साथ में डाइट के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखते हुए आप ये साथ में जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। एंड आज के लिए बस इतना ही। स्टे फिट एंड हेल्दी। थैंक यू।